जो हमारे भाई छोटे भाई मित्रपाल जी जो कि रतनगढ़ से हैं, इनको कैप्टन अजय यादव जी ने और रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओबीसी का इनको बनाया है करनाल का। और भाई चंद्र भान जो काम्बोज हैं, इन्हें ओबीसी हरियाणा के अंदर सीनियर वाइस सीनियर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया है। और इनको 3 जिलों का पांच चार्ज, पांच छह जिलों पांच बचे, छह जिलों करनाल पांच भरोसा। इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी हरियाणा सेल का इनको बनाया गया। और इनके पास 6 जो डिस्ट्रिक्ट है उनका इनको इंचार्ज बनाया गया। मैं भाई मित्रपाल जी को और चंद्र भान काम्बोज इन दोनों को बधाई भी देती हूँ। और इनको जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उम्मीद करती हूँ ये अपनी जो जिम्मेदारी है इसको अच्छे से निभाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। और जो काम करने वाले, जो कांग्रेस के जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको जो भी इन्होंने आगे अपनी कमेटी बनानी है, पोस्ट देनी है, तो काम करने वाले लोगों को ये अपने साथ जोड़े, इसी के बारे में हमने आज ये रखा गया है। और लेटर्स दे दें, उनको दे देते हैं चिट्ठियाँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी है वो ओबीसी हरियाणा और ओबीसी करनाल के जो मित्रपाल हैं और चंद्रपाल हैं उन्हें जो है उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जो है फिलहाल घोषित करती हुई ये देख लीजिए लेटर जो है फिलहाल दे रही हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सुमिता सिंह हैं, साथ में जयपाल मान है तस्वीरों में, और देख सकते हैं दोनों को ही जो है नियुक्त कर दिया गया है जो कि करनाल के जिलाध्यक्ष और हरियाणा के ओबीसी के उपाध्यक्ष जो कि मित्रपाल है करनाल के और जो चंद्रपाल है वो हरियाणा ओबीसी के। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्हें जो लेटर्स हैं वो फिलहाल दे दिए गए हैं और यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे इंचार्ज हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने हमें हमारे को जो जिम्मेवारी सौंपी है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा का मेरे को बनाया, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग बहन सुमिता सिंह जी और जयपाल मान जी जो हमारे मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, इनके सहयोग से मुझे जो ये जिम्मेवारी सौंपी है मैं इस जिम्मेवारी को पूरे निष्ठा के साथ निभाऊंगा और पूरा सबके साथ मिलकर पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। और हम पूरे हरियाणा में जो ओबीसी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे को ओबीसी वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहकाया और हमारे में फूट डलवा के उन्होंने हमारे को सब्ज बाग दिखाए और सब्ज बाग दिखा के हमारी वोट को छीन लिया। और अब हरियाणा का जो ओबीसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कितनी बड़ी भूल अब ये मान रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल हमने की है 2014 में कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमने इनको वोट दिया और इनके लिए काम किया, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इनकी सुध नहीं ली और आने वाले समय में सारा भारत ये पिछड़ा वर्ग का जो हरियाणा का बैकवर्ड क्लास है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम सब तन मन धन से जो है ना पिछड़ा वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग के लोग यह आप जान चुके हैं कि अगर हमारा कोई भला कर सकता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और कैप्टन अजय सिंह यादव जो हमारे ओबीसी के चेयरमैन हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हमारा भला कर सकती है और कोई हम इस वर्ग का भला नहीं कर सकती। और अब आने वाले टाइम में हम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी ये मांग करेंगे कि हमारे जो हरियाणा में राजनीतिक हिस्सा है वो भी हम कांग्रेस पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे। और रोजगार में जो रोजगार में हमारा हिस्सा पीछे भी आया है और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बखूबी से हरियाणा पिछड़ा वर्ग के लोगों को
बहुत अच्छी तरह से हमारा पिछड़ा वर्ग का हिस्सा दिया है। इससे हम जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका हम धन्यवाद भी करते हैं और आगे जो है आगे हम ये बड़ी ज़ोर शोर से मांग उठाएंगे कि उसमें हमें जो है ना पिछड़ा वर्ग के लोगों के भले के लिए पूरा काम करें और हमारा जो आने वाले समय में जो हमारा रोजगार पिछड़ा वर्ग का होगा उसकी भी हम मांग उठाएं। ओबीसी में कितनी जाति है? ओबीसी में सर 54 जाति आती है। धन्यवाद करना चाहता हूं पहले तो हमारे जयपाल मान जी बड़े भाई और कैप्टन अजय यादव जी का, जिन्होंने हमारे पर यह विश्वास जिताया कि हमारे को जिला अध्यक्ष ग्रामीण ओबीसी का बनाया। और बहन सुमिता के साथ तो हम शुरू से लगे हुए हैं। बहन जी ने तो हमारे को आशीर्वाद बहुत पहले से दे रखा है, जब से हम इनके साथ हैं तो कभी भी कोई भी दुख सुख होता है बहन जी के पास ही जाते हैं। और मैं आपको विश्वास जताता हूँ अपनी जो ओबीसी के समाज के लोग हैं सभी को एकजुट लेके चलेंगे, सभी से मिलके चलेंगे। और जो हमारा ओबीसी भटक चुका था अब उसको इकट्ठा करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर अजय यादव जी ने और ऑल इंडिया दफ्तर में इनको लेटर शो किया था, तो बहन जी ने हमें चाहे सोचा कि भाई बहन जी का भी आशीर्वाद ले। और नेत्रपाल और चंद्रपाल जी और गिर संधु जी, हम मिलकर सब ने इन साथियों को कैप्टन साहब को सिफारिश करी, तो आज हमारा इनको बुनवाने से ही है कि राजनीति में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं जब सत्ता आता है। हम बहन जी भी है, ये भी दो बार विधायक रही हैं और ये भी विधायक के कैंडिडेट हैं। हम इन लोगों को इनके माध्यम से इन चेहरों को ओबीसी को जो भटके वो बताया चंद्रपाल ने, हम चाहते हैं कि हर हल्के में अपना एक टीम तैयार करें और आने वाला जो चुनाव है बहन जी को या रघुवीर संधु ग्रोंडे हैं जो भी कांग्रेस का टिकट अर्थी इलेक्शन लड़ेगा, हम अपने को जैसे यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है और कांग्रेस है, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों भाइयों की वजह से करनाल जिले में हम पूरी कांग्रेस को और मजबूत करें। और आने वाला जो टाइम होगा हमारा हम उस पर लग रहे हैं, आपको पता है हम जो बात कहेंगे अलकिन कहते हैं, हम जो पूरे ब्लॉक में पूरे इसमें संगठन तैयार करेंगे, संगठन तैयार करके एक हम ओबीसी का और बैकवर्ड और सुजारा किसान मजदूर का एक बड़ा आंदोलन जो है शहर में खट्टर के खिलाफ निकालेंगे मोर्चा, जो 8 से 10 किलोमीटर का होगा, जो आखिरी से लेके आखिरी तक आदमी होगा उसकी संख्या जो है 10,000 को 20,000 को 30,000 को, उसकी भी इसके पीछे एक रणनीति हमें तैयार कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी पन्नापुर में है ना, ये भी हमारे कांग्रेस के जैसे कि हमारे जितने बूथ हैं हर बूथ पे एक अगर यूथ कांग्रेस का साथी रहेगा तो हम उस एक साथी को भी उस बूथ पे कांग्रेस के लिए एक एक वोट निकालने के लिए, ताकि ओबीसी को ये लोग जानते हैं, हम नहीं, मैं अलग कास्ट से मतलब संबंध रखता हूँ, जब जातिवाद अगर बीजेपी ने फैलाए दिया तो उसका हथियार उसी से काम इस्तेमाल करेंगे। और हमारे जो रघुवीर जी हैं मेहनती साथी हैं मिलकर काम करेंगे। और जितना भी खट्टर जैसे अमित शाह था, लाखों लोग जो करनाल में देखने के लिए राहुल गांधी ने उमड़िया, उससे उन्हें रैली करनाल में रख दी, करनाल के बाद उन्हें सोचा यहाँ तो भाई नहीं हो पाएगा, सुमिता सिंगर की बड़ी सभा होगी है वहाँ चले जाओ, किसान भोड़ा होता है वहाँ, ना कोई किसान गया, मोदी साहब खट्टर साहब तो 250 किलोमीटर चला गया, वो 150 किलोमीटर से नहीं आ सका, ये अपना अमित शाह इतना डर गया, इतनी भीड़ देख के डर गया, भीड़ ज़्यादा है कि बेचारा डर गया, वापसी ही चला गया। आने वाला जो टाइम है वो कांग्रेस का है और भविष्यवाणी करता हूँ मैं पक्की कदी आज तक नहीं करूँगा, जो करूँ पक्की करो, बीजेपी की 174 सीटें होंगी देश में, राहुल गांधी आएगा नीचे कांग्रेस में, सुमिता सिंह रघुवीर संधु और जैसे नौजवान विधायक भारी बहुमत से सरकार लेके आ रहे हैं भाई। और कोई साथी ये कहता है कि मैं ज़्यादा काम करूँ, वो ज़्यादा कराए, तो हरियाणा में कांग्रेस में जयपाल मानता ज़्यादा काम ना तो किसी ने करा ना कोई कर सकता, मगर जीतने के लिए जो जीतेगा उसी के पर दाव लाओगे भाई, लंगड़े घोड़े पर क्यों दाव लाओ कोई भाई, तो भाई जीतने वाले घोड़े पर दाव लगेगा और वे 72 सीट होंगी। तो मैं तो आप साथियों से एक ही आश्वासन देता हूँ भाई, हम आस्था हो सकते हैं हमारे किरण चौधरी में, किसी के इसमें भूपेंद्र हुड्डा में, किसी सैलजा में, किसी उसमें, जब लड़ाई आओगी ना करनाल की या पूरे हरियाणा की लड़ाई, उसमें चाहे दुपेंद्र हो चाहे सैलजा हो,
स्मिता सिंह और रघुवीर संधु हो, मिलकर भाई तकड़े से ताकत से चुनाव जिताएंगे और पंचों की पंचों विधानसभा। कांग्रेस के बहन जी तो दो बार बन ली भाई, तो ज्यादा बात करेंगे तो कहेंगे बहन जी की बात कर रहा है तो टिकट तो हाईकमान ने देना जीतने वाला घोड़ा है जी। करनाल में कौन है जीतने वाला घोड़ा? नहीं जो भी नाम नहीं मतलब नहीं, देखो ये तो मेरी अपनी निजी पर्सनल है, अगर सरकार जब ही आती है जब आप जीतने वाले पर दाव लगाओगे, अगर आप दाव लगा दोगे वैसे लगा दिया दाव तो आप फिर क्या होगा, 15 सीट आऊंगी, 15 सीट से तो काम नहीं चलता ना। तो आपका तो ये नौजवान साथी है रघुवीर जो पुराने पड़े पुराने पड़े जिनके साथ वोट हैं, स्मिता सिंह है मजबूत है भाई, इसमें को कोई बात थोड़ी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कितनी मजबूती नजर आ रही है, कितने लोग सदस्य लेने में आगे आ रहे हैं? पूरे हरियाणा से करनाल से कोई भी बीजेपी का और लोक दल का हर चाहे बीजेपी, रात हम एक फंक्शन में इकट्ठे थे बहन जी हम साथ साथी, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है वो भी क्या कहते हैं आप समझ भी जाओगे, उस तो मेला लुट गया, वो किन्ना बात कही मेला लुट गया, यानी कि अब तो मेला लुट गया है। तो एक आन मिलो सजना फिल्म आई थी, कारवा चल रहा अपना दिलीप कुमार की तरियों, ये तो बड़ा बड़ा लहर है इसमें, बड़ा भारी संख्या में मतलब इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस एक ही मंच पर कभी भी कांग्रेस इकट्ठी क्यों नहीं नजर आई? इकट्ठे तो है जी सब, सर हमेशा अलग अलग नजर आते हैं। नीचे से जो मंदिर होता है ना उसकी टांग चार होती है, गुंबज ऊपर एक हो जाता है, अब गुंबज अब स्मिता सिंह टिकट लाओगे मान ले हम एक हो जाएंगे, रघुवीर लाओगे हम एक हो जाएंगे, जब तक ये आस्था है, ये मेरी बहन में आस्था है, किसी की आस्था आप में, किसी की रघुवीर में आस्था है, तो आस्था का रोड़ा है बस सिर्फ, बाकी तो हम सब एक है बिल्कुल। अगर आप कहोगे भाई वो पत्रकार कर रहा है, वो मीटिंग कर रहा है, वो हम सब मिलकर कर रहे हैं ताकि सारा काम इकट्ठा कर लें एकदम। आप भी मान साहब आप ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी का हर मिली थी पहले भी मिली है नहीं, बहुत कम कोटा वही रखा हुआ है, जाति हर साल कोई ना कोई नई जाति शामिल कर दी जाती है ओबीसी में, 27% आरक्षण था, 27 में से 17 ही चल रहा है, लेकिन कोटा वही का वही है। नहीं कोटा भी बढ़ेगा ना जब ये आपकी सरकार आएगी, कोटा बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बढ़ाएंगे सरकार में अपनी आवाज उठाएंगे, कोटा किया जाएगा, परसेंट किया जाएगा, ये तो ये मजबूती इनके ऊपर है, ये तो लीडर्स बताएंगे ना उसके बारे में सर, ये पहले पार्टी डिसाइड करेगी सर, सरकार आने से पहले के ही दावे रहेंगे या बाद में भी कुछ किया जाएगा? जनता तो गरीबी भी बढ़ती चली जा रही है और महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, वादे भाजपा सरकार ने भी बहुत थे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। अगर रसोई की बात करें तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कहां सिलेंडर के भाव 1000+ हो गए हैं, पेट्रोल जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, गरीब को सिर्फ रसोई और पेट्रोल चाहिए जो बढ़ता है, उन्हें एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, जब भी देखा जा रहा है सरकार एयरपोर्ट पर कॉन्सेंट्रेशन कर रही है, सड़कों पर कर रही है, लेकिन गरीब और भी मतलब कहने का मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है। जब 10 साल का जब कांग्रेस का राज था उस समय में आपने देखा होगा तब में और अब में कितना फर्क आ गया है, उस टाइम किसान खुश थे, जो नौजवान थे रोजगार थे, महंगाई भी इतनी नहीं थी, पर ये जो बीजेपी की सरकार है ये सिर्फ झूठे वायदे करती है, इन्होंने झूठे वादे किए हैं। और आपने देखा होगा कल जो बजट आया है, बजट के अंदर नौजवान के लिए उनके रोजगार के लिए कुछ नहीं रखा गया है, जो इन्फ्लेशन है जो प्राइस जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं है कि किस प्रकार से महंगाई को कम किया जाएगा। जो ये बात करते हैं कि भी हरियाणा का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, आपने देखा होगा कल जो बजट आया उसमें कोई हरियाणा के ऊपर डिस्कशन नहीं है, सिर्फ 2-3 बार सिर्फ मेंशन हुआ है, वो भी जो पुराने जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं उसके बारे में छोटा मोटा उन्होंने किया है। और नौजवान तो बहुत परेशान है इस सरकार से, मनरेगा जो है गांव के अंदर जो हमारे बेरोजगार जो गरीब आदमी है जो ये बोलता है, ये कांग्रेस की चलाई स्कीम थी जो मनरेगा है, जो ये कहता था मैं गरीब हूँ मेरे को रोजगार चाहिए तो 100 दिन का रोजगार गांव के अंदर देते थे, उसका भी इन्होंने जो बजट था जो पिछले साल जो बजट था वो 86,000 करोड़ था, उसको इन्होंने 60,000 उसको भी कम कर दिया। हमारे जो किसान गर्मी में सर्दी में जो वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर कितने लंबे समय तक जो वो बैठे रहे भूख हड़ताल वहाँ पर सड़क पे धरने देते रहे, जो MSP का झगड़ा था इस बजट के ऊपर कोई MSP के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई, मतलब लोगों के साथ ये धोखा दिया जा रहा है। मैम क्या लग रहा है अगर ये मुद्दे ऐसे खड़े रहते हैं तो क्या अगर सरकार बदलती है तो क्या कांग्रेस जो है ये हल कर पाएगी? कांग्रेस ने पहले भी हल किया है, कांग्रेस ने कितने 1000 करोड़ का जो हमारा जो किसानों के ऊपर जो कर्जा था वो माफ किया,
किसानों के जो रेट थे, किसानों के जो रेट थे उस टाइम बोलते थे कि जहाज में जो है वो जीरी गई जहाज में, पर अब तो हाल इतना खराब है किसानों के पास। आप व्यापारी से बात करो, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, क्योंकि व्यापारियों का काम भी तभी चलता है जब खुशहाली होती है गांव के अंदर, क्योंकि हमारा रूरल एरिया एग्रीकल्चर हमारा जो है देश है। अगर किसानों के पास पैसा नहीं होगा तो व्यापारी भी दुखी होगा। और आप देख रहे हैं बहुत ही जो आजकल जो बहुत एक सीरियस चीज़ है, आप सब नोटिस कर रहे होंगे, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी गांव के अंदर चले जाएं, किसी शहर के किसी एरिया में चले जाएं, जितने भी नौजवान हैं, नौजवान जो है भारत छोड़ के बाहर जा रहा है। किसी गांव में आप ये गक्सीना में देख लें, आप घोगड़ीपुर गांव देख लें, डबरी वाले यहाँ बैठे हैं, डबरी गाँव देख लें, राय फार्म है देख लें, ज़्यादा मतलब नौजवान के पास, उनके पास क्या ज़मीन है, एक या दो एकड़ ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन बेचते हैं अपनी टिकट और वो करके बाहर जा रहे हैं, और बच्चे पढ़े लिखे बच्चे वहाँ जाकर ये दिहाड़िए कर रहे हैं, कोई काम नहीं है वहाँ पर अभी उनके पास। तो ये भी बहुत ही डराने वाला इसका जो है कि जो यूथ भाग रहा है यहाँ से, प्लान कर रहा है देश से, आने वाले समय में बुजुर्ग यहाँ रह जाएंगे, नौजवान नहीं रहेंगे। मैम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि इस मुद्दे पे पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि जो व्हीकल्स हैं 10 साल और 15 साल पुरानी, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पॉल्यूशन को लेकर ही जो है ये नॉर्म्स बनाए गए हैं? क्योंकि 15 साल की आरसी बनती है डीजल गाड़ी की, भी चार्ज 15 साल का लिया जाता है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में कांग्रेस क्या कर पाएगी? क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है, क्योंकि लोगों की अरबों खरबों की संपत्ति जो है वो खराब हो रही है दिन प्रतिदिन, लोग बेच रहे हैं, कबाड़ में बेच रहे हैं। गलत है, जो खास तौर से आप देख रहे होंगे जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट खत्म हो चली है, जो ट्रक्स है, जो एक आदमी लोन के ऊपर अपना ट्रक खरीदा है 15 साल में तो उसकी किश्तें भी पूरी नहीं होती है, लोग अपने ट्रक्स बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, बहुत गलत है। नई गाड़ियों की बिक्री ज्यादा बढ़ गई है, पुरानी जो है कबाड़ में जा रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस इस पे कोई हल कर पाएगी? क्योंकि अभी तक तो इसे लागू ही रखा गया है, हालांकि जो इंपाउंड गाड़ियां नहीं हो रही हैं, लेकिन कुछ शुरुआत में की भी गई थी, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये ऐसा ही आएगी तो हम जरूर अपनी पार्टी से बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो है इसके बारे में कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए। हम भी इस पर चीज से परेशान हैं। तो अभी तक कोर्ट में जाना चाहिए था, स्टे लेना चाहिए, प्राइवेट स्कूल यूनियन ने स्टे ले लिया इसके ऊपर, अपोजिशन में बैठे तो आपने अभी तक क्यों नहीं इस मुद्दे के ऊपर गौर किया? अभी तक आप अपोजिशन से बात करके हम उसके बाद तभी कुछ कह सकते हैं। इस लेवल पे हम नहीं कह सकते कि हम अपनी तरफ से बगैर पार्टी के आदेश के बगैर हम ये सब बहुत लोगों की सारी प्रॉपर्टियां लोग आकर उनको ठेका दिया गया है प्रॉपर्टी आईडीज बनाने का, और प्रॉपर्टी की जो आईडीज हैं वो सबकी गलत बन रही हैं। जब जाते हैं नगर निगम में तो वो बोलते हैं कि जी आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको अपलोड कर दें, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आता। इतने परेशान हैं मैम, क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी सारा काम कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, अगर कांग्रेस की पार्टी आती है तो, और क्या लगता है वो पूरा कर पाएगी ये सब? बिल्कुल करेंगे, पहले भी किया और आगे भी करेंगे। गरीब लोगों के राशन कार्ड, कितने लाख उन्होंने राशन कार्ड काट दिए हैं गरीबों के, गरीबी रेखा वाले, आप देख लो पेंशन, जो पेंशन है बहुत लोगों की पेंशन कट गई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है जैसे शुरू हुई और पूरे देश में उसका बोलबाला हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है और धीरे धीरे नई नई नियुक्तियां हो रही हैं। और फिलहाल बता दें कि ओबीसी के अंदर जो है, ओबीसी में कांग्रेस कमेटी के अंदर एक उपाध्यक्ष जो है हरियाणा के, और जो जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण के, जिसके अंदर नाम मैं अगर आपको बता दूँ तो दो नाम हैं, एक तो मित्रपाल हैं और एक चंद्रपाल हैं, इन दोनों को ही जो है इसमें नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं धीरे धीरे पार्टी जो है आगे किस तरीके से और एक्टिव होती है, और क्या लगता है आने वाले समय में क्या कांग्रेस का भविष्य होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूर है कि काफ़ी सारा काम है जनता का करने वाला, जो जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बड़े बड़े मुद्दे जो हैं फिलहाल छूट चुके हैं, जो बीजेपी के ऊपर जो है बड़े बड़े आरोप जो हैं वो लग चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को वो सभी काम जो हैं जो पेंडिंग फिलहाल बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं पूरा जो है करना होगा। देखते हैं क्या वो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है नहीं, या फिर सबसे पहली बात तो यह है कि क्या वो जो है सरकार यानी कि जो है उनकी सरकार बन पाती है नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।